नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मल्टीटेक चौहान। दोस्तों, ये है अपना काइनेटिक बॉस। आज हम बात करने वाले हैं इसके फ्रंट व्हील के मड गार्ड के बारे में कि इसका मड गार्ड चेंज करने में आपको कितना प्राइस लगेगा। तो जो भी भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा काइनेटिक बॉस का। ठीक है, दोस्तों, जब मैंने फर्स्ट वीडियो इसका अपलोड किया था तो बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि भाई इसका जो रियर वाला, एक सेकंड, ये रियर वाला जो मडगार्ड है वो किस कंपनी का लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये इसी का लगा हुआ है, काइनेटिक बॉस का ओरिजिनल ही लगा हुआ है। फर्स्ट बार जब चेंज किया था, फर्स्ट बार स्टार्टिंग टाइम में इसमें स्टील वाला लगा हुआ था, स्टेनलेस स्टील वाला। उसके बाद जब चेंज किए थे तो ये काइनेटिक का मिल गया था, उसके बाद हमने चेंज नहीं किया है। तो नेक्स्ट बार जब चेंज करूँगा तो इसके बारे में भी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, ये अभी तो ये भी फिलहाल चेंज नहीं हुआ है, अभी फिलहाल हमने इसे चेंज किया है, ये आप देखिए। ठीक है, ये हमने चेंज किया है। इस साइड से भी आपको दिखा देते हैं। ओके, तो इसे चेंज करने में जो हमें खर्चा हुआ है वो है 500 रुपीज़। ये लगभग 400 रुपये का मिल गया था और 100 रुपये इसे हमने फिटिंग करवाने में लिया है। ठीक है, तो ये 500 रुपये में कंप्लीट चेंज हो गया है। बाकी आप इसका देख रहे हैं, बाइक का कंडीशन आप देख रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे दूंगा बाइक का। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि रियर व्हील का पूरा, जो इसका व्हील मैंने चेंज करवाया था, रिम और स्पोक, उसके बारे में बताया था। लेकिन आगे का जो देख रहे हैं, आगे का चेंज किया हुआ है, इसे लगभग 2 साल हो गया है। ठीक है, तो आगे वाले रिम का कंडीशन आप देख लीजिए। पीछे वाले का मैंने बता दिया था, कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया था कि मैंने चेंज करवाया है। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले एक और चीज़ चेंज करवाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसका जो किक है इसे हमने चेंज करवाया है। ठीक है, तो इसे चेंज करवाने में हमें लगभग 300 का खर्च लगा है। ठीक है, बाइक का कंडीशन आप देख लीजिए, अभी भी कंडीशन एकदम A1 क्वालिटी में है। इस साइड से भी आपको दिखा देते हैं कंडीशन, देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई इशू नहीं है बाइक में, बाइक एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक है, लेकिन सीट कवर पैशन का लगा हुआ है, बाकी सब आपके सामने है। दोस्तों, अभी भी बहुत लोग काइनेटिक बॉक्स का यूज कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा इशू इसमें आ जाता है इसके पार्ट्स का। तो पार्ट्स को मैंने बता दिया था आपको पहले भी, इसका पार्ट्स जो लगता है वो स्प्लेंडर का लग जाएगा, इसमें लगभग 90% पार्ट्स लग ही जाता है। बाकी आपका कोई भी पार्ट्स ऐसा रहेगा तो अदर ब्रांड का लग जाता है। और बाइक का कंडीशन तो आपने देख लिया, इसका माइलेज बता दें। अभी माइलेज अभी हाईवे पे 60 है और मार्केट में 40-50 के लगभग मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।